सो हेलो दोस्तों, नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी हम बुआ के घर आए हुए हैं और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ का पता चला है। क्यार में एक पानी से चलने वाला एक धन्यवाद तो एक पानी से चलने वाली चक्की है जिससे आटा पिसता है। गो लोग गाँव जैसे पानी ज़्यादा होता है तो आटा ये वहीं से पिसता है। तो जो वो जो चक्की है हम उसके पास जा रहे हैं और कैसे वो काम करती है वो सब हम देखेंगे। और मेरे साथ मेरे भैया भी हैं, मतलब मेरी बुआ के बेटे, और मेरे फूफा जी ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो हम सब पूछेंगे कैसे चलती है, कैसे क्या सब कुछ होता है। अभी हम यहाँ पे गाय वाले और अभी हम जो है यहाँ पे बैल साथ में लेके जाएंगे नीचे। तो लेट्स कंटिन्यू। सो पहला बैल बाहर निकलते हुए, हालांकि हमें देख कर डरा हुआ तो बाहर निकल नहीं रहा है। जब तक भैया इसको पुश नहीं करेंगे तब तक ये बाहर नहीं आएगा। और एक ही बैल है, दो और ये अभी पानी पी रहे हैं बैल दोनों। अब ये भी शायद निकाला ही इनको सुबह। एक की हालत तो खस्ता ही है। ये मेरे भैया, कहाँ गया टैंक? अच्छा, तो यहाँ पे एक 35,000 लीटर का टैंक बना था तो इसके नीचे अब वो अंडरग्राउंड हो चुका है। ऊपर से छत डल चुकी है। जब हम आए थे तब भी 9-10 फीट गहरा खुदरा था उस टाइम पे। तो ये मनरेगा की तरफ से इनको एक बजट अप्रूव हुआ था शायद 1.5 लाख रुपए का। तो उसी के थ्रू ये सब, ये 3x3x3 शायद ज़्यादा लंबा है, 15 फुट तो होगा। और ये हमारी भाभी जी, वेलकम टू आर ब्लॉग। इसमें क्या थैलने में पूजा का? हाँ एक बैल तैयार हो चुका है, दूसरा अभी भी पानी पी रहा है। गलत जगह आ रहा है, गलत जगह आ रहा है, गलत जगह आ रहा है मेरी तरफ। पकड़ा हुआ था वो नहीं चला। चलो 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 चलो। वो भी है क्या? तो हम डाल चुके हैं चार की तरफ इनको लेके, ताकि ये घास चरे और हम देखें कि मशीन कैसे चलती है। कितना नीचे भैया? 15 मिनट नीचे। नीचे मतलब नीचे को 15 तो ऊपर तो आधा घंटा गया डबल। तो पानी अभी बारिश हुई तब उसके वजह से तो पानी हो गया। तो जमा होता है पानी उसमें? ना, जमा नहीं, तो खड्ड में चलता रहता है। अच्छा, खड्ड में चलता रहता है। और वो तो गेहूं वगैरह भी नीचे ही रहता है सारा? गेहूं तो नीचे भी, यहाँ भी एक ही है घराट। हाँ, पूरा गांव का है कि किसी का? अपना है? नहीं, अपना है। आपका अपना है? हाँ, हाँ। अच्छा, तो मतलब पहले चार्ज करते हो आप? हाँ। सही है। तो इनका अपना घराट है। तो किसने बनाया होगा ये? दादाजी ने। अच्छा, 80-90 70 साल पुराना। ओके, तो भैया के दादाजी ने इसको बनवाया था कि बनाया था? 70 साल हो चुके हैं, इतना पुराना है। एक ही है यहाँ पे गांव में, तो काफ़ी यूनिक चीज़। और गांव वाले जो भी छोटा मोटा चार्ज है वो पे करते हैं, किलो के हिसाब से ही होता होगा। 10 किलो में 1 किलो। 10 किलो में 1 किलो आपका? हाँ। अच्छा, 10 किलो में मतलब 1 किलो का कॉस्ट आप ले लेते हो? 1 क्विंटल में 10 किलो। अच्छा, तो 10 किलो आप रख लेते हो कि 10 किलो के पैसे लेते हो? नहीं, 10 किलो जो
अच्छा अच्छा जिनके पास अनाज है ना तो अनाज में क्या दाम काट देते। तो मतलब 100 किलो आया तो 90 उनको चले जाएगा, 10 आपके पास चले जाएगा कि 110 किलो आता है उसमें आटा पीस के देना उनको 90। अच्छा अच्छा 10 रखना मैंने अपने लिए। ओके ओके, मतलब 10 में से 9 उनका, एक आपका या पैसा या गेहूँ। तो फिर आप आगे भेज देते होंगे अगर आटा मिलता होगा ना। आगे तो आजकल कम है ना, बस मक्की वाला आटा ज्यादा। अच्छा अच्छा, कम आते क्योंकि कणक होती कम है। तो मक्का ज्यादा आता है कि गेहूँ? मक्की आ जाती है ज्यादा पीसा। अच्छा, क्योंकि गांव वाले मक्की की रोटी ज्यादा पसंद करते हैं तो इसलिए मक्की ज्यादा पिसती है। इसलिए बोलते हैं क्यारी तो छोटी हो गई, क्यार हो गया बड़ा। हाँ। क्यारी तो छोटी सी होती है, क्यार बोलते हैं जहाँ पानी लगता है ना। खड्ड के साथ है। अच्छा, क्यार बोलते हैं। ओके ओके, खड्ड के साथ खेत है वहाँ पानी लगता है उसको क्यार बोलते हैं। अच्छा, तो क्यार इसलिए जगह का नाम पड़ा है क्योंकि खड्ड के साथ जितने भी खेत है उनको पानी लगता रहता है, मैं जा रहा हूँ वहाँ। झाड़ियाँ इधर से, मगर जो हमारी मंजिल है वो यहाँ है। तो वहाँ पर है वो मशीन सामने, तब तक भैया बैलों को घास घूस चरा रहे हैं। ये तो डेली, तो आजकल बारिश हुई है तो घास थोड़ी ज़्यादा है, ये तो कम होती है तो फिर बैलों को नीचे लाना फायदे का सौदा नहीं है। और गांजा गांजा, हाँ हाँ गाइस, वीड, वी नीड वीड, सारे भांग के पौधे हैं। ये जंगल, हाँ खेती करना अलाउ नहीं है बट ये जंगल में अपना आप ही उग जाते हैं। खूबसूरत सा पौधा, शायद ये हिबिकस है, आई डोंट नो कौन सा है। मैं तो एक ही स्कूल में रोज़ के अलावा जो गुलाब के अलावा जो फूल को जानता था मैं वो हिबिकस ही होता था। नमस्ते बाबू जी, चल रही है मशीन? ठीक है, हाँ जी ये लगाना है इसमें। मशीन ने तो हालत खराब कर रखा है। और ये जब रात को काम करते हो कुछ बारिश आ जाए या कुछ भी आ जाए तो छोटा सा यहाँ पे रूम बना रखा है। कभी कभी मौसम भी खराब रहता है क्योंकि बारिश में ही चलती है ये घराट मशीन, तो ज़्यादा बारिश हो जाए कभी या कुछ भी, मतलब जाना पाए बंदे वापस किसी भी घर वापस, तो यहाँ रुक, यहाँ भी रुक सकते हैं। सब कुछ इंतज़ाम है, बर्तन का भी है, नहाने धोने का भी है, लाइट पंखा सब है क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है शिमला के मुकाबले। और ये है पुदीना, जंगली पुदीना। ये यहाँ से स्टार्ट है और ये पूरा का पूरा, ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पूरी स्वेटर बने हुए थे स्टार्ट टू है। तो अब हम एंटर कर रहे हैं उस फाइनल, अच्छा मक्की दाना सब कट भर के चला हुआ है और मिट्टी। तो कैसे होता है प्रोसेस स्टार्ट? ऊपर डालना होता है पहले मक्का, अनाज डालते हैं इधर, ये निकल रहा है यहाँ से और ये पानी के जोर से घूम रहा है, ये इसका वो लीवर है।
ऊपर नीचे करने का, अच्छा अच्छा करने का, ये दाना ज्यादा करने का, ये लीवर दाना ज्यादा कम करने का। तो सबसे पहले जो मुझे बताया कि दाना यहाँ से डालते हैं और धीरे धीरे करते हैं, वो यहाँ पिसता रहता है और अगर थोड़ा कम जोर से पीसना हो तो ये वो लीवर है, इससे ऊपर नीचे जाता है। और दाना कम ज्यादा करने के लिए, दाना अगर ज्यादा डालना है एक बारी में तो इसको लीवर को कुछ घुमाना पड़ेगा, इसे घुमाते हैं ना, इसको घुमा के कम करना तो ऊपर को, ज्यादा करना तो नीचे को। अच्छा अच्छा यकीन करना मुश्किल है कि एक छोटी सी पानी के धार इतने सॉफ्ट, आटा भी निकल रहा है नीचे। यहाँ भी देख रहा हूँ ऊपर जो देख रहा हूँ पानी डाला नाली का, यहाँ नीचे निकल रहा है। अच्छा तो मतलब पानी के जोर से इतने से ये कम से कम 100 किलो का पत्थर तो होगा। जैसे कहते हैं पवन चक्की, जो पवन से मतलब हवा से, हवा से चक्की चलती है, ये इसको बोलते हैं पंचक्की, पानी से। और ये कितने किलो का पत्थर होगा ये ऊपर जो घूम रहा है, 100-150-200 तो ज्यादा ही होगा। इसका आरपीएम 100 RPM 100-120 किलो ना। ये कितने किलो का है पत्थर? ये तो पत्थर तो है कोई 2.5 क्विंटल का, 3 का, मतलब 250-300 किलो का पत्थर है और एक पानी के धार से घूम रहा है। हालांकि कैसे घूम रहा है तो भगवान ही मालिक है। और ये आटा यहाँ से ज्यादा है। और फिर ये अभी मक्की पिस चुकी है, गेहूं पिस रहा है। और ये आज का पूरा मक्की का था, ये आज का है पूरा, आज पिसा है, ये आज पिसा है, ये पहले का है, तैयार है आटा तैयार किया, ये पहले का पिसा है, आज ही पिसा है, रात को पिसा। अच्छा रात को पिसा है। अभी अपना वो पानी दिखाते हैं, पानी आ रहा ऊपर से, अब आपको दिखाते हैं स्टार्ट कहाँ से। अब जो पानी यहाँ से आ रहा है वो आ रहा है इधर से, तो यहाँ से पानी, बारिश का पानी इधर जमा होती है, इधर से आता है, तो ये तो जाता है खड्ड की तरफ डायरेक्ट, मगर इन्होंने यहाँ बॉर्डर लगा रखा है, तो डायरेक्ट पानी जो यहाँ से आ रहा है इधर से पाइप, ये जाली है, जाली से पानी नीचे, और मैं ऊपर से आपको दिखाऊँ तो इस पाइप के थ्रू ये नीचे लोहे का लगा हुआ है, इससे नीचे जा रहा है, आगे जाते जाते जाता है। और पानी की धार इसकी जितनी आगे जाती रहेगी उतनी पतली होती जाएगी, उस पतली जैसे प्रेशर बढ़ता है उस, तो मतलब अगर वो रास्ता अगर संकरा हो पानी के निकलने का से, तो प्रेशर जैसे आप पाइप में पानी से, तो पानी का पाइप लगाते हो तो आप उंगली उसमें उंगली लगाते हो तो उसकी पानी की तेज़ धार जो है वो तेज़ हो जाती है, सेम चीज़ वही है, सेम चीज़ वही है यहाँ पे। यहाँ पर भी पानी का रास्ता छोटा होता रहता है और उस हिसाब से उसकी स्पीड बढ़ती रहती है, और वो 250-300 किलो का पत्थर, हालांकि यकीन करना तो मुश्किल है, नामुमकिन है, बट ये है एंड की पानी की धार की, वो इतना पानी जो आ रहा है ऊपर से वो इतनी धार से निकलता है और वो इस धार के बल पे वो 250-300 किलो का पत्थर घूम रहा है, और चक्की पुराने ज़माने की काम कर रही है, अभी तक 70 साल से काम कर रही है। तोड़ रहे हैं चटनी के लिए, सिर्फ पत्ते पत्ते, हम जड़ से नहीं तोड़ रहे ताकि उगता रहे, और हमारे पास कोई गमला उमला भी नहीं है, ये तो ज़्यादा देर तक रखने से ख़राब भी हो जाता है, सूख जाता है काफ़ी, उतना ही तोड़ियो, दो दिन लायक 3 दिन लायक। और इसको भी हम हाथ से ही पीसते चटनी को, वो मेरे वहाँ भैया वहाँ पे बैल से वो सब बात करते हैं रास्ता। तो ऐसे पीसता है मक्का, और हर 100 किलो में 10 किलो इनका होता है, अगर कोई और गांव वाले इनसे पिसवाने आते हैं, क्योंकि यही एक मशीन है यहाँ पे,
तो हर 100 में से 10 किलो ये रखते हैं अपने लिए या उसके हिसाब से पैसे ले लेते हैं। तो ऐसे चलता है काम। खेत सपाट हो रहा है, इसको बोलते हैं जी बोई। बोई पहले हल लगाना, उसके बाद बोई जाना, फिर सीधा हो जाता है खेत। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर सोगा बोलते उसको। जैसे पानी में सर्फिंग करते हैं समुंदर में, वैसे यहाँ पे सर्फिंग के भाई। इस पे वजन लगाना पड़ता होगा ना। हाँ। जब सूखा होगा तो पूरा चढ़ के देना पड़ता है। अगर गीला होता तो उसमें मिट्टी फंसती है, तब हल्का सा वजन चाहिए। तो अभी आधे से भी कम खेत हुआ, अभी इतना बचा हुआ है। तो एक छोटा टाइम लैप्स दिखाते हैं आपको इसका। बोई का काम खत्म हुआ है, अब हम जा रहे हैं दूसरे खेत पे। बोल रहे हैं गलती आ गई नीचे। कौन बोल रहा है? सोच रहे होंगे दोनों, गलती आ गई नीचे, काम करवा रहे हैं। काम तो बस ये पड़ता है, 6 महीने बाद है, बाकी तो इन्होंने बेले ही खाना है। फिर तो फोन की क्वालिटी थोड़ी कम हो जाएगी वीडियो की, क्योंकि फोन डेड हो चुका है हमारा मेन। अब ये बैकअप फोन लगा रखा और ये स्टार्ट हो चुका काम, जो हल्की जुताई होनी है जो। और जैसे भैया बता रहे थे इनका 6 महीने का ही काम होता है, और 6 महीने तो इनका काम होता है कुंभकर्ण की तरह, क्योंकि सीजन ही होते हैं हर खेती की फसल के, तो उसी टाइम पे काम होता है इनका, महीना दो महीना मुश्किल से। नहीं तो फिर ये अपने काउ शेड में ही रहते हैं, जहाँ पे देख मिलता रहता है खाना। तो 20 किलो आटा हमने भी ले लिया है, हमने भी फायदा उठाया और 20 किलो अपने साथ लेके चलेंगे। तो छोटे भाई ने उठा लिया है आटा। हाँ जी, हाँ जी। और पुदीना रखने के लिए हमारे पास कोई थैली नहीं थी, तो हमने ऐसे एक हुडी में रख लिया है। तो अभी उतराई में ही 10-15 मिनट लग गए थे हमें, तो चढ़ाई में कम से कम डबल टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो फाइनली चढ़ाई शुरू हो गई है, और थकान मेरे को तो खाली हाथ ही थकान इतनी हो गई है। भाई ने तो 20 किलो उठा रखा है। एक फायदा हुआ व्लॉगिंग करने का, क्योंकि वो कैमरे में इतना आता नहीं है, तो उसने बोला मैं उठा लूँगा तो व्लॉगिंग कर। और एक छोटी सी नदी, हालांकि टाइम भी कम है हमारे पास, नहीं तो जाते नीचे तक आगे तक घूमते थे, मगर हम घर से आज सुबह 6 बजे निकल चुके थे, जल्दी वापस भी आना है, कोई काम है घर पे वापस, तो इसलिए पूरा सही तो जा रहे हैं, इसलिए हम पूरा दिखा नहीं पाए यहाँ का, बट जितना दिखाया वो भी काफ़ी आश्चर्यजनक था और अद्भुत था। पुरानी मशीन जो सिर्फ पानी के बहाव से चलती है, पंचक्की, और ये है तो। और ख़त्म करते हैं इसी व्लॉग को यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, बाय।
सब अपना ख्याल रखे, हालांकि बोला मेरा सांस फूल चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सब अपना ध्यान रखें, कोरोना से सेफ रहे, टेक केयर, बाय।